को भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे। नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। जो भी षड्यंत्र हो राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी को आरक्षण बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं, ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं, दो दिन पहले इनकी पोल खुल गई, किसी के हाथ में संविधान जो लहराते हैं ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखोल मत उड़ाओ। संविधान आस्था का सवाल होता है, विश्वास का सवाल होता है। आपने नकली संविधान लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान सभा का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी संविधान को मजाक बनाकर रख दी है और नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिन मनाने का निर्णय किया है, जो बाबा साहेब अंबेडकर को एक प्रकार से श्रद्धांजलि है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब हमने, अगर चुनाव जिस तरह से चल रहा है इसमें यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और मैं आपको वादा करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सालाना हर वयस्क माता बहन को 25,000 रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। माताओं बहनों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, और दीपावली और रक्षाबंधन में साल में दो गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने का काम हमारी झारखंड की सरकार।